फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे लोन फॉर प्लॉट या लैंड। आप किसी प्लॉट या लैंड के लिए लोन लेने जाते हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, उस डॉक्यूमेंट में क्या फीचर चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट पे आपको वो चार्ज करेंगे, क्या ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी, सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। आप जब भी होम लोन लेने जाते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू प्लॉट या लैंड लोन। क्यों पड़ता है? क्योंकि आप जब प्लॉट लेने जाते हैं तो वो थोड़ी सी आपको रिस्की रहती है, वहाँ पे रिस्क का फैक्टर रहता है, इसलिए बैंक आपसे अधिक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाता है। आप अगर एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर पे कितने लोन लेने जाते हैं लैंड पे, तो जैसे कमर्शियल रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल लैंड हो गया या प्लॉट हो गए, इस पे कुछ चार्जेज रहते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी देनी पड़ती है बैंक के द्वारा आपको, और कुछ आपको चार्जेज भी पे करने पड़ते हैं, ऐसे इंटरेस्ट रेट जो हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू होम लोन। अब हम जानते हैं किस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड पे आप किस तरीके से होम लोन ले सकते हो, उसका कंडीशन क्या है, उसका पर्पज क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। बेसिकली आप किस तरीके के प्लॉट में किस तरीके का आपको लोन मिलेगा, किस में आसानी से मिलेगा, किस में मुश्किल होगा। जैसे प्लॉट में कहते हैं आप बेसिकली आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई पे करना पड़ता है क्योंकि उसमें रिस्क अधिक होता है, इसलिए बैंक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रखते हैं। अब हम जानते हैं पहला एग्रीकल्चर लैंड के लिए के बारे में, उसमें आपको लोन कैसे मिलेगा। अगर ये बेसिकली तो आप कोई स्मॉल फार्मर या एग्रीकल्चर लैंड आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई लेबर है, उसके लिए बैंक कितने हैं अवेलेबल नहीं करवाती है लोन, या कुछ पीएसयू बैंक है, जो प्राइवेट बैंक तो आपको अवेलेबल करवाएगी नहीं, पर कुछ आपकी जो पीएसयू बैंक है जैसे एसबीआई बैंक है, वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को अवेलेबल करवा देती है लोन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, और कुछ जॉबलेस लेबर हो गए उनको भी अवेलेबल करवा देती है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात कर लें, वो रेसिडेंशियल हो गया या कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल प्लॉट हो गया, उसके लिए आपको आसानी से लोन मिल जाता है अगर वो आपके अर्बन एरिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटी लिमिट के अंदर है। तो पहला कंडीशन क्या रहता है, वो बेसिकली विद इन द लिमिट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या सिटी लिमिट। अगर अर्बन एरिया से आपको अदर अलग रहेगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल होगी आपको लेने में। दूसरा क्या है, अगर डेवलप बाय द डेवलपमेंट अथॉरिटी या कितने हैं आपका डेवलपर या इंडस्ट्रियल अथॉरिटी या रीसेल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे कितने आपको लोन जल्दी मिल जाएगा क्योंकि वो बेसिकली उन लोग का अप्रूव रहता है, और बेसिकली अगर ये सैंक्शन आपका अप्रूव रहा तो आपको जल्दी से वो लोन मिल जाएगा। अगर आपका कितने हैं प्लॉट सिटी लिमिट से अधिक बाहर रहा, मान लीजिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड पर कुछ रहा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर वो प्लॉट आपका कितने हैं उसका लेआउट अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे बैंक से थोड़ा आपको जल्दी लोन मिल जाएगा। और अगर प्लॉट के लिए लोन लेना चाहते हैं केवल सिंगल, तो आपको लोन बहुत मुश्किल में मिलता है। अगर प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन लेना चाहते हैं साथ में, तो आपको लोन जल्दी मिल जाएगा। अगर उसी तरीके से आप कितने हैं रेसिडेंशियल प्लस प्लॉट लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, जैसे आपको 2 साल के अंदर वो टोटल प्लॉट आपको कंप्लीट करना रहेगा। और कंस्ट्रक्शन लोन इजीली केवल अकेला लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। केवल प्लॉट लोन के लिए या लैंड लोन के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ती है, उस पर आपको देना पड़ता है। अच्छा, पॉइंट जान लेते हैं क्या सिक्योर्ड लोन। बेसिकली बैंक इसे सिक्योर लोन मानता है क्योंकि आपने किसी तरीके से इसमें डिफॉल्ट किया तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, उसे ऑक्शन करेगा, उसे बोली लगाएगा और अपने जो लोन अमाउंट है उससे रिकवर कर लेगा। अब हम जानते हैं टेन्योर के बारे में, आप लोन पे तो 15 साल से लेकर 20 साल के लिए ले सकते हैं, अगर होम लोन लिया हुआ है वो तो 30 साल के लिए हो सकता है। अब हम जानते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। बेसिकली आप होम लोन के हिसाब से ये आपको 0.5 से लेकर 1.5% एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट पे, अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब। अगर आपने कमर्शियल प्लॉट लिया है या इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है तो होम लोन के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 1.5 से लेकर 2.5% एवा पे करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं इसका डिसबर्समेंट अमाउंट के बारे में। बेसिकली आपने किसी सेलर या कितने जो रीसेल प्रॉपर्टी है, जो किसी को सेल कर चुका है, फिर आपको सेल कर रहा है, वो प्रॉपर्टी बन चुकी है तो उससे आप ले रहे हैं, तो बेसिकली वो टोटल सेलर के अकाउंट में बैंक पैसा डालेगा। और दूसरा क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो उस बिल्डर या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके अकाउंट में बैंक पैसा डालेगी, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट होगा 20%, 30%, 40% उस हिसाब से। और एक और टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ अमाउंट आपको शुरू में अपने से पे करने पड़ेंगे तब जाके वो बैंक का आधा आपका अमाउंट पे करेगा। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 30 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, 70 लाख फिर बैंक पे करेगा। अब हम जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला एग्रीकल्चर लैंड के बारे में जान लेते हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उनके पास लेस देन 2 एकड़ ऑफ इरीगेटेड लैंड रहना चाहिए या 5 एकड़ ऑफ अनइरीगेटेड लैंड रहना चाहिए, मतलब सिंचाई की जमीन और कितने हैं बंजर जमीन उस हिसाब से रहनी चाहिए, और उनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए लोन पेमेंट के हिसाब से लास्ट 2 ईयर की। मान लीजिए कोई फार्मर है, उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है पर उन्होंने डिफॉल्ट करके रखा हुआ है, तो उनको कितने हैं ये लोन नहीं मिलेगा उस प्लॉट पे।
अगर कितने आपने 2 साल के अंदर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा, अपना ईएमआई टाइम पे की है, तो आपको लोन जल्दी मिल जाएगा। अब हम जानते हैं अपना नॉन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, जिसमें रेसिडेंशियल प्लॉट हो गया, कमर्शियल प्लॉट हो गया, इंडस्ट्रियल प्लॉट हो गया, उसमें क्या इंक्लूडेड रहते हैं। बेसिकली आपका रिपेमेंट कैपेसिटी पर चेक की जाती है कि आपका एनुअल इनकम कितना है, आपने कितना लोन लेकर रखा हुआ है, क्या लाइबिलिटी आपकी है, ये सारी चेक की जाती है। मान लीजिए आप 60,000 रुपये आपकी इनकम है मंथली, उस हिसाब से बैंक बोलता है कि आपका आधा मतलब 30,000 आपको ईएमआई में आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए 15,000 रुपये कहीं कार लोन के लिए पे कर रहे हैं तो आपका बचा 15,000 रुपये, वो 15,000 के हिसाब से आपकी होम एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। मान लीजिए उसके हिसाब से आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड का सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं, वो क्या है आपका टेक्निकल एंड लीगल ड्यू डिलिजेंस। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का टोटल ड्यू डिलिजेंस होता है और आपका भी। ऐसे पहला होता है आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाला जाता है। आपने अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी का बोल रहे हैं कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है मेरी, पर वो बैंक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बैंक क्या करेगा, आपने कोई वैल्यूअर एडर को ऐड करेगा, जैसे कोई थर्ड पार्टी को लाएगा, उससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक कराएगा। मान लीजिए कि तो उस समय आ रही जो मार्केट वैल्यू 45 लाख आ रही है, तो उस हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या है, अपना क्लियर टाइटल ये प्रोवाइड करेगा, मीन्स आपका जो टाइटल चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, या उस प्रॉपर्टी पे किसी ने लोन लेके तो नहीं रखा हुआ है, वो लीज पे तो नहीं है, वहां पर टैक्स ड्यूज तो नहीं है, ये सारी चीजें उस क्लियर टाइटल में चेक करेगा। अपना प्रॉपर्टी की वैल्यू पे कितना लोन मिल सकता है। बेसिकली अगर आप प्लॉट की ओर ले रहे हैं तो इस पर बैंक की ओर आपको 70% ही लोन अमाउंट प्रोवाइड करेगा। अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों ले रहे हैं साथ में, तो उसके लिए टोटल आपको 90% का लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर जैसे होम लोन में आपको 90% मिलता है, उसी यहां पे भी प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का 90% मिलेगा। चलिए अपना तीसरा पॉइंट जान लेते हो, कस्टमर प्रोफाइल रहता है। बेसिकली कस्टमर का चेक किया जाता है वो सैलरी पर्सन या बिजनेस पर्सन है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका कितने हैं इनकम स्टेबिलिटी है कि नहीं। उसकी अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपका 60 साल तक एलिजिबल रहेंगे। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको 65 एज तक आपको दिया जाएगा। अब आपकी चेक की जाती है क्रेडिट स्कोर कितनी है, अगर 75 से अबव है तो आपको जल्दी से मिल जाएगा, अगर उससे नीचे है तो आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपकी टोटल एसेट एंड लाइबिलिटी चेक की जाती है, और फिर आपका चेक किया जाता है कि आप कितने नंबर ऑफ डिपेंडेंट है आप पे। मान लीजिए आपके परिवार में 5 लोग आपसे भी डिपेंडेंट है, आप 60,000 की इनकम कमा रहे हैं तो 50,000 उन पे खत्म हो जा रहा है, तो 10,000 जो बच रहा है उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा, ना कि आपके 60,000 के हिसाब से। अब हम जानते हैं कुछ एडिशनल चार्जेस के बारे में। पहला आपका लगता है प्रोसेसिंग फीस। बैंक बेसिकली कुछ प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है जो 2-3% रहता है। आप भी जब कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, लगभग आपने 70 लाख का प्रॉपर्टी लिया है, तो उसके हिसाब से 0.25% से लेकर 1% तक चार्ज करता है, जो कि 0.25% ऑफ 70 लाख हो गया 17,000 से 18,000 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। दूसरा हमारा होता है जो चार्जेज आपको पे करने पड़ते हैं, लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस चार्जेज। ये बेसिकली बैंक चार्ज करता है। अगर आप कुछ बैंक ऐसा करते हैं जो प्रोसेसिंग फीस में ही लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस चार्जेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कुछ सेपरेटली चार्ज करते हैं। पर आप इसलिए बैंक के पास आप जाएं और बोलें, सर मुझे ये अलग नहीं देना है, इसके साथ में इंक्लूड कर दीजिए, वो लगभग आपसे कहते हैं 5 से 10,000 रुपये चार्ज करते हैं इसका एक्स्ट्रा, तो आप इसे ध्यान से देखें। तीसरा हमारा होता है रीपेमेंट क्लोजर। मीन्स आप मान लीजिए लोन तो आपने ले लिया, आपके पास कुछ पैसे आ गए, तो आप सोचते हैं कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे मैं घटा दूं, बैंक को वो जो लोन वाला अमाउंट है उसमें कुछ दे दूं, तो आप ये करवा सकते हैं। अगर आपने वेरिएबल या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेकर रखा हुआ है तो उसमें कुछ चार्जेज आपको पे नहीं करने पड़ते हैं, पर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन लिया हुआ है तो आपको 2-3% आपको पे करने पड़ते हैं उस प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से जो आपने लेकर रखा हुआ है। चौथा हमारा था GST। बेसिकली आपको 18-12% आपको GST पे करना पड़ता है, 12% GST पे करना पड़ता है आपके जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उस पर, आपको टोटल जो चार्जेस होंगे टोटल इंक्लूड करके प्रॉपर्टी के। अब हम जान लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए आपको, अगर आप सैलरी पर्सन है या बिजनेस पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड है। सैलरी या बिजनेस पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ कॉमन है वो चीज़ जान लेते हैं। पहला आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, दूसरा क्या आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये आपको रहने चाहिए। आपका लास्ट 6 महीने बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपका 3 महीने सैलरी स्लिप चाहिए अगर आप सैलरी पर्सन है, तब बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नहीं चाहिए। आपका फॉर्म 16 चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न टोटल सर्टिफिकेट चाहिए। आपका कितने जो चेक है वो टोटल आपको क्लियर है कि नहीं वो देखा जाता है। प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो आपका कंप्लीट है कि नहीं, वो क्लियर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये सारे सैलरी पर्सन, कुछ बिजनेस पर्सन कुछ एक्स्ट्रा रहता है, जैसे बिजनेस उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका लास्ट 3 ईयर CA रिटर्न प्रोवाइड, जो CA रहता है वो प्रोवाइड करता है कितना बैलेंस शीट प्रोवाइड करता है कि वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है, और आपका इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का देखेगा कि बिजनेस जो क्लासेज हैं वो उसमें आपका बिजनेस प्रोफाइल देखेगा 3 साल का, और कितना आपका बिजनेस किस एरिया में एग्जिस्टेंट कर रहा है, वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी।
अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बता देता हूँ। आप जब भी कितने हैं प्लॉट के लिए लोन लेने जाएं, तो अलग अलग बैंक में जो कम इंटरेस्ट रेट पे चार्ज कर रहा है वहाँ पे आप जरूर जाएं और वहाँ से लें, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर पढ़ें। और दूसरा, आप ज्वाइंट लोन लेने का देखें, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ज्वाइंट ऑनरशिप बेसिकली जो आपका लोन रहता है वो डिसबर्स हो जाता है। जैसे आपने कितने अपने वाइफ के साथ लोन लेकर रखा हुआ है, तो आप जो लोन ले प्लॉट लेकर रखा हुआ जो लोन लेने जा रहे हैं तो अपने वाइफ के साथ ही लें, तो इससे क्या रहता है आपकी जो होम की क्राइटेरिया रहती है आप अधिक लोन ले सकते हैं। मान लीजिए 10 लाख आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं, तो को एप्लीकेंट होने की वजह से आप कहते हैं 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जब को एप्लीकेंट आप लाते हैं ज्वाइंट ऑनरशिप में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।